बैतूल मध्य प्रदेश से अब तक की बड़ी खबर। जब बैतूल कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग बालिका के साथ में एम्बुलेंस चालक अपने घर में बंधक बनाकर 3 दिन तक रेप करता रहा, जिसके बाद उसे पीड़िता के नानी के घर छोड़ आया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि नाबालिग बालिका 22 जून को अपने घर से नाराज होकर निकली थी। इसी दौरान एम्बुलेंस चालक ने लिफ्ट दी और उसे घर छोड़ने के बहाने ले जाकर बंधक बना लिया। घटना 4 दिन पुरानी बताई जा रही है। कोतवाली TI देवकंड डेहरिया के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस के पास आकर एम्बुलेंस चालक से घर आकर परेशान करने और घटना के बारे में शिकायत दर्ज की। मैडम बताइए, एम्बुलेंस वाला मामला क्या है? करीबन 4-5 दिन पहले कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची अपनी नानी के घर जा रही थी, जिसको रास्ते में 108 के एम्बुलेंस के द्वारा ये बोलकर बैठाया गया कि वो उसको नानी के घर छोड़ देगा, जो नानी के घर ना छोड़ के उसको अपने घर लेके गया और वहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया। जब मामला संज्ञान आने पर कोतवाली पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल दाखिल किया गया। जेल चला गया जी, आरोपी जेल।